बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत अहम ख़बरें हैं। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इंग्लैंड में जो COP26 इजलास हो रहा है उसमें आलमी ताकतें किस तरह से चीन के खिलाफ इकट्ठी हुई हुई हैं। फिर हम आपको भारत की पाकिस्तान के खिलाफ तीन चालें बताएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चालों में भारत को मुँह की खानी पड़ी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मोदी ने इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ क्या चाल चलने की कोशिश की जिस पर मोदी को जूते पड़े। जी हाँ नाज़रीन, मोदी को उस ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा इंटरनेशनल लेवल पर जब सारी दुनिया देख रही थी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर आपको भारत की दूसरी चाल बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान को दावत दी है कि आप आए भारत, और पाकिस्तान ने क्या ऐसा काम किया है कि इस पर भी भारत को ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया के सामने। तीसरी चाल भारत ने कश्मीर में चली है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने कश्मीर में भारत की कमर तोड़ कर रख दी है। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आपको वक्त पर मिलती रहें। हमने आपको बताया था कि इटली में जो G20 समिट हुआ था वहां से मोदी सीधा इंग्लैंड गया उस वक्त जब वहां पर खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा था, भारत के टुकड़े करने के लिए वहां पर इलेक्शंस हो रहे थे और वो इलेक्शंस कामयाब भी हो गए। सिखों ने मोदी के आने पर उसका एहतजाज भी किया, जिस तरह से मोदी किसी भी मुल्क में जाए वहां पर उसके साथ यही होता है। एनीवेज, मोदी COP26 समिट में शिरकत करने के लिए बर्तानिया पहुंच गए। चीन के सदर शी जिनपिंग इस इजलास में शिरकत किए बगैर वापस चाइना आ गए, क्योंकि उनका यह मानना था कि सारी बातें तो G20 समिट में हो गई हैं, अब क्लाइमेट चेंज पर बात करने के लिए बर्तानिया क्या जाया जाए। और बर्तानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ एक नया इत्तेहाद भी बना चुके हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वो वीडियो लिंक पर अपनी तकरीर कर लेंगे, लेकिन बर्तानिया ने उन्हें वीडियो लिंक पर तकरीर करने नहीं दी और फिर उनकी जगह उनके एक नुमाइंदे ने कागज पर लिखी हुई शी जिनपिंग की तकरीर को पढ़ा। यानी ये इजलास इतना अनइम्पॉर्टेंट था कि इतने बड़े बड़े लीडर्स ने वहां पर शिरकत करने को अवॉइड किया। इस इजलास की इम्पॉर्टेंस का अंदाजा आप यहां से लगा लें कि जो बाइडेन इस इजलास में सोया हुआ था, लेकिन मोदी इस इजलास में पहुंचा क्योंकि पापा जी आए हुए थे। अब ये तो छोटी छोटी खबरें थी, लेकिन इससे लिंक्ड एक बड़ी खबर है। मोदी के वहां जाने की एक दूसरी बड़ी वजह थी कि मोदी को बड़ा शौक है कि वो बड़े बड़े लीडर्स के साथ गले लगे और भारतीय मीडिया अपनी आवाम को दिखा सके कि आपके लीडर की भी बड़ी वैल्यू है। भारतीय मीडिया इसको कैसे कोट करता है कि मोदी जी तो गले लगना ही नहीं चाहते थे, वो तो अवॉइड कर रहे थे कि पीछे हटो, लेकिन वो छोड़ते कहाँ थे मोदी जी को, वो तो कहते थे हमने तो आपसे गले लग के ही जाना है। तो इस तरह की हरकतें भारत क्यों करता है, क्योंकि वो जुनूनियत का शिकार है, वो एक इंतहा पसंद कौम है। तो जब वो देखते हैं कि इमरान खान जब जहां जाता है तो जिस तरह से उसका इस्तकबाल किया जाता है, फिर पूरी इंटरनेशनल मीडिया उससे रब्ता करने की कोशिश की जाती है, वो बात करता है तो उसकी बात पूरी दुनिया सुनती है, उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है और यहाँ हमारा वज़ीर आज़म चाय वाला। इससे बड़े बड़े लीडर सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है। इमरान खान अमेरिका जाता है तो ट्रंप की वाइफ कहती है कि मैंने इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचवानी है। मलेशिया जाता है तो महातीर मोहम्मद की वाइफ कहती है कि मैंने इमरान खान से मुलाकात करनी है। मोदी से कोई मिलने की बात नहीं करता और उससे मिलकर करना क्या है, ये तो उसकी इंतहा पसंदी थी। मुसलमानों को उसने इतना मारा था कि उसको भारत में इतना वोट मिला कि वह वजीर आजम बन गया, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स उसे क्यों पसंद करें। तो इन हरकतों की वजह से मोदी को बड़ी दफा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन मोदी बाज नहीं आता। एक तो इसका कद छोटा है और गोरे आप जानते हैं कि लंबे लंबे होते हैं, ये या तो अपने पैरों को ऊपर करके उनको हक करता है तो उन पर गिर जाता है, या फिर नीचे उन्हें पसलियों से पकड़ लेता है। आज COP26 समिट के दौरान मोदी ने अक्वामे मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरेस के साथ गले लगने की कोशिश की और अंतोनियो गुतरेस ने बाकायदा मोदी को पुश किया कि दूर हो जाओ, और उसका मूड ही खराब हो गया, ऐसे जैसे वो अभी मोदी को थप्पड़ दे मारेगा। और मोदी ने इस सब को कवर करने की कोशिश की, लेकिन मूड मोदी का भी खराब हो गया था क्योंकि वो अपने साथ बाकायदा कैमरा मैन लेकर गया था कि इस तरह की तस्वीर लेकर वो ट्विटर पर ट्वीट करे कि मीटिंग विद ब्रदर फला,
लेकिन एक बार फिर उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दूसरा, मोदी की ये पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी चाल थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन बड़ी चालें चली हैं और तीनों में भारत नाकाम हुआ है। एक तो ये थी और दो और हैं, वो भी आपको अभी बताते हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ चाल कैसे थी कि मोदी ने पूरी दुनिया को बताना था कि देखो मेरे अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, वो तो मुझे हक कर रहा है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा, क्योंकि अक्वामे मुत्तहिदा भारत को 5 बार वार्निंग्स दे चुका है कश्मीर के मसले पर और अकलियतों के साथ जो भारत कर रहा है, मुसलमानों के साथ जो भारत कर रहा है, भारत की इंतहा पसंदी, अकलियतों के साथ नारवा सलूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा और कर्फ्यू लगाना, इन सब चीज़ों पर अक्वामे मुत्तहिदा भारत को सख्ती से कई बार वार्निंग्स दे चुका है और पाकिस्तान इन चीज़ों को हाईलाइट करता है। तो मोदी दुनिया को और अपनी कौम को ये बताना चाहता था कि देखो हमारे तो अक्वामे मुत्तहिदा के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, कश्मीर में कोई मसला नहीं, भारत में कोई मसला नहीं, और यूरोपियंस मगरबी ममालिक के लोग गले लगना पसंद ही नहीं करते, इसे बड़ा बुरा समझा जाता है कि मर्द मर्द के गले मिल रहा है और इसे बाकायदा गे समझा जाता है। इंग्लैंड में हमने कितने लोगों से सुना वो इंडियंस को गे समझते हैं, सिर्फ गले लगने की वजह से नहीं, इनकी हरकतों की वजह से, ये जो उठाने की कोशिश करते हैं गोरों को। इसी तरह जर्मनी में हम एक बार बैठकर गोरों के साथ मूवी देख रहे थे, कल हो ना हो, तो उसमें शाहरुख खान और सैफ अली खान आपस में हक करते हैं, तो गोरों ने हमसे बाकायदा पूछा कि क्या ये गे है इस मूवी में। तो क्योंकि हम गोरों की जहनीत से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो जब गोरे मोदी को हक करते वक्त जिस तरह का फेस बनाते हैं, जिस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं, तो हमें सारी समझ आ जाती है। आप क्या दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपकी इतने बड़े लीडर के साथ मुलाकात हुई? भाई आप वजीर आजम हैं, आप अपनी इंतहा पसंदी की वजह से वजीर आजम बन गए हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आप अब चाय वाले नहीं हैं, आप वजीर आजम हैं और इन लीडर्स के साथ मुलाकात होना कोई बड़ी बात नहीं है। शादी ब्याह में हम कितने लोगों के साथ मिलते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि हम बेहतरीन दोस्त हैं। दूसरी चाल भारत ने ये चली कि भारत अफगानिस्तान के मसले पर एक इंटरनेशनल समिट करवा रहा है और उस समिट में उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ को भी दावत दी। इसमें भारत के दो मकासद थे कि एक तो पाकिस्तान ने जो इतना रवैया सख्त किया हुआ है और पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को जो टफ टाइम दे रहे हैं, उसमें थोड़ी नरमी आ जाए, क्योंकि भारत तो इन्हीं चीज़ों का आदि है कि अगर हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो ये करो वो करो। अब पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहा, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं पिछली आदतों की वजह से ये उम्मीद लगी रहती है कि पाकिस्तान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हमारी कोई ना कोई बात मान लेगा। दूसरा, भारत अफगानिस्तान से जब अमरीकी फौजों का इनखला हो रहा था तो इतना जलील हुआ कि हर जगह भारत ने कोशिश की कि हमें भी बिठाओ, हम भी अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस रखते हैं। हर जगह भारत को यही कहा जाता रहा कि आपका कोई काम नहीं है। और रूस और तुर्की में होने वाले समिट्स में तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत आएगा तो हम नहीं आएंगे, इस वजह से भारत को नहीं बुलाया गया। तो भारत दुनिया को ये भी बताना चाहता था कि हमारा इतना इन्फ्लुएंस है कि देखें पाकिस्तान भी हमारे यहाँ आया है अफगानिस्तान के मसले पर बात करने। तो डॉक्टर मोईद यूसुफ ने आज मीडिया पर कहा कि नहीं, मैं भारत नहीं जा रहा, क्योंकि भारत पीस स्पॉइलर है, अफगानिस्तान में अमन के लिए भारत से कैसे बात हो सकती है, क्योंकि भारत ही तो सबसे बड़ा पीस स्पॉइलर था अफगानिस्तान में। भारत इस वक्त तपा हुआ है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि वो हमें ऑफिशियली जवाब देता, क्योंकि हमने ऑफिशियली इनवाइट किया है, मीडिया पर कहने की क्या जरूरत थी, क्योंकि भारतीय आवाम जो पाकिस्तान को कहती है कि पाकिस्तान भारत की मिन्नत करता है कि मुज़ाकरात करो, वो ये सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। अब आपको भारत की तीसरी चाल के बारे में बताते हैं। कश्मीर में पूंछ सेक्टर में जो भारतीय फौज मुजाहिदीन के एक छोटे से ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, उसकी अपडेट्स तो हम आपको रोजाना देते हैं। अभी तक वहां पर एक मुजाहिद शहीद नहीं हुआ और रोजाना भारतीय फौजी जहन्नम वासिल होते हैं। 11 अक्टूबर से यह ऑपरेशन शुरू हुआ है और मुजाहिदीन के ग्रुप की तादाद सिर्फ 10 बताई जाती है। फिर जनरल बिपिन रावत वहां गया, जनरल नरवाने गया, अजीत डोवल गया, अमित शाह गया, ताकि उन फौजियों की हौसला अफजाई हो और दुनिया को बता सके कि यहाँ पर अमन है और दुबई जो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसे एक नैरेटिव दिया जाए कि आप आए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन मुजाहिदीन ने इन दौरों के दौरान हमले और तेज कर दिए।
अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान एक ऐलान किया कि हम श्रीनगर से शारजा की फ्लाइट शुरू करने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से फिजाई रास्ता मांगा कि अगर पाकिस्तान ने फिजाई रास्ता दे दिया तो ये एक बड़ा अच्छा गेस्चर होगा अमन के लिए और दोनों ममालिक में ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान ने इसका अभी तक इनकार तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने इनको कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि कश्मीर से फ्लाइट उड़ेगी, शारजा जाएगी और फिजाई रास्ता हम दें तो दुनिया क्या सोचेगी कि हम कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम करते हैं। तो तीनों चालों में भारत को मुंह की खानी पड़ी। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।